अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे वनीला केक। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 125 ग्राम मैदा, 125 ग्राम बटर, 125 ग्राम चीनी, दो अंडे, एक चौथाई कप दूध, आधा टीस्पून वनीला एसेंस और केक को कोट करने के लिए हमने लिया है चॉकलेट सिरप और खोपरे का बुरादा। सबसे पहले एक बाउल में अंडे डालेंगे। अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। इसे 7 से 8 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। सात मिनट हो गए हैं, देखिए कितना फ्लफी हो गया है। अब एक मिक्सी के जार में चीनी डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें बटर डालेंगे। मैंने थोड़ा सा बटर मोल्ड को ग्रीस करने के लिए बचा लिया है। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। देखिए बटर और चीनी हमारी कितनी फ्लफी हो गई है। अब एक गहरे बर्तन में सबसे पहले मैदा छानेंगे। अब इसमें चीनी और बटर का मिक्सचर डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अंडे का बैटर डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। ये अच्छे से मिल गया है। अब इसमें दूध डालेंगे। हमारा बैटर तैयार है। अब एक मोल्ड को बटर और मैदे से ग्रीस कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा मैदा इसका निकाल देंगे। अब बैटर को मोल्ड में डाल देंगे। अब मोल्ड को हल्के से हिलाते हुए इसको सेट कर लेंगे। अब इसे ओवन में 25 से 30 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लेंगे। ओवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है। आधा घंटा हो गया है। अब मैं इसे 220 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट के लिए बेक करूंगी। आप अपने केक को बीच बीच में चेक कर लें और उस हिसाब से अपने टाइम सेट कर लें। केक तैयार है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसका मोल्ड खोलेंगे। इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये सेट हो गया है। अब इसे चॉकलेट सिरप से कोट करेंगे। ये अच्छे से कोट हो गया है। अब इसके पीसेस कर लेंगे। अब इसे सर्व करेंगे।
आपका वनीला केक तैयार है, इसे सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।